टू माय चैनल सिमरन अभी ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो हम अभी निकल रहे थे, रात का समय है, तो बहुत रात का समय नहीं है, 7:30 बजे का समय है, और हम निकल रहे थे अभी मार्केट, क्योंकि मार्केट में मुझे है कुछ काम। तो मैं ऐसा, मुझे एक्चुअली शॉपिंग करनी है, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो बस हम तीनों अभी रेडी हैं और निकल रहे हैं। ये समझता है लिफ्ट खुलना है तो अंदर जाना है, लिफ्ट खुलता है बाहर जाना है। इतना दिमाग है इतना दिमाग। ये देखिए पगली को, आजकल बैठना नहीं होता है, खड़े होकर सब देखना है, और समझदार की तरह ऐसा सब समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। कैमरा में देखो, टाटा करके दिखाओ, अभी तो टाटा ही तो सीखा है, सिर्फ कुछ सीखा ही नहीं। टाटा टाटा टाटा। अच्छा, कैमरा में बिना देखे टाटा करने, लेकिन देखना आ गया है। और आगे क्या दिख रहा है? बहुत सारे व्हीकल दिख रहे हैं, लाइट्स दिख रही है, ट्रैफिक लाइट दिख रही है ना। सो ये पहली दुकान है जहाँ मैं कपड़े पसंद करने जा रही थी। ऊपर के फ्लोर पे ये था जहाँ पे बहुत सारे सूट पार्टी वेयर थे, लेकिन मुझे जो कलर प्रिंट जैसा चाहिए था, मुझे कुछ वहाँ जमा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो फिर उन्होंने रियोन फैब्रिक में भी प्रिंट का दिखाया ये सब, तो मुझे वो भी अच्छा नहीं लगा। फिर वहाँ से मैं गई दूसरे दुकान पर, दूसरे दुकान पर भी ये वैसी सारी चीज़ें सेम दिखा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था एक एरिया में वैसे मिलता जुलता सारे दुकान पर एक ही कपड़े हैं, और सेम कलर का जो मेरे पास कलेक्शन है उसी कलर को फिर कलेक्ट करके कोई मतलब नहीं था। फिर उसके बाद मैं गई एक रामदेव फैशन करके शॉप था, उसमें भी मैं बहुत सारी चीज़ें देखी लेकिन मुझे नहीं पसंद आया। साया क्रिएशन, ऐसे करके एक दो तीन दुकान घूमी, कुछ मुझे कुछ जमा नहीं इस मार्केट में। आपने देखा, मैंने दो तीन दुकान माई मीन दो तीन शॉप में मैंने देखा अपने लिए ड्रेस, लेकिन कैसे है ना, जब ऐसे जब हम कभी रास्ते से गुजरते हैं मार्केट, या कभी ऐसे खाने चले गए, तब आपको स्टैचू में बहुत सारे अच्छे अच्छे ड्रेस दिखेंगे, तो ऐसा करेगा कि दिल करेगा कि अच्छा वो ड्रेस अच्छा। अभी मैं खुद ढूंढने निकली हूँ, तो मैंने लगभग 4-5 शॉप ऐसे मैंने विजिट किए जहाँ मुझे नहीं पसंद आ रहा है। ऐसा होता है कि जब हमें जब हम मन बना के चलते हैं कि हमें शॉपिंग करना है, कुछ चीज़ें लेनी है, खरीदने निकल कपड़ा लेना है, तो वो चीज़ें नहीं पसंद आती हैं। अभी मतलब कितना सारा देखा मैंने, मैं बता नहीं सकती हूँ, 3-4 दुकानें विजिट किया, बहुत सारे कपड़े देखे मैंने, डेढ़ घंटे से कपड़े दूसरे मार्केट में देखते हैं यहाँ कितना चीजें पसंद आती हैं। तो यहाँ से मैंने पहले भी बहुत सारे ड्रेस लिए हैं, तो मैंने यहाँ भी ट्राई किया पार्टी वियर नॉर्मल, ये जो स्टैचू में व्हाइट लगा हुआ है ना, मुझे पसंद आया, बट कैसे जब मैंने ट्रायल रूम में ट्राई किया ना, तो मुझे कम्फर्टेबल फैब्रिक नहीं लगा, और ये जो प्रिंट वाला दिखा रहे ये बिल्कुल भी नॉर्मल लुक दे रहा था, तो मैंने फिर इसको भी छोड़ दिया। फिर हमने प्लान किया कि चलो तीसरे मार्केट में चलते हैं। मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन अब रात हो गई है तो भूख भी लग गई है, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन खा लेते हैं, पेट पूजा भी जरूरी है। हमने सोचा एक मोमोज ब्रेक लेते हैं, एक मोमोज ब्रेक लेने के बाद फिर शॉपिंग में थोड़ा दिल लगेगा। उस मार्केट में हम पहुंच चुके हैं और पार्किंग में हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, हम गाड़ी के अंदर बैठ के वेट कर रहे हैं कि बारिश छूटे तो हम बाहर निकले। वैसे हमारे पास छतरी है, रेडिक छतरी में इतना बाबू को लेके फिर ये मैं कहाँ एडजस्ट हो पाया। पूरा मार्केट घूमना बारिश में मुश्किल ही दिख रहा है, मुझे बहुत बड़ा मार्केट ही है, क्योंकि इसके आधे घंटे से मैं ऐसे ही बैठे हुए, बारिश रुकने का नाम नहीं रही है। हम देख रहे हैं 45 मिनट्स टू 1 आवर अभी हो रहा है 8:30, देखते हैं 1 घंटा वेट करेंगे 9:30 तक, जैसे अगर रुक जाती है तो 9:30 से 10:30 शॉपिंग करेंगे, अगर मैडम को कुछ पसंद आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पसंद आया अगर नहीं मार्केट जा पाए बारिश के कारण, फिर यहीं से यू टर्न बैक टू पवेलियन। मैडम को ज़्यादा दुख है क्योंकि इन्हीं के लिए शॉपिंग हो रहा था, कुछ स्पेशल शॉपिंग था स्पेशल ओकेशन के लिए, लेकिन लग रहा है काफ़ी ज़्यादा हिंडरेंस आ रहे हैं, भगवान भी नहीं चाह रहा है इनका स्पेशल शॉपिंग कम्प्लीट हो। एक तो ऑलरेडी आपने पिछले व्लॉग में देख लिया होगा कि हो चुका है एक शॉपिंग स्पेशल, और क्या है वो भी आपको पता है, मैडम को मोबाइल गिफ्ट मिला है। जैसे ही थोड़ी बारिश कम हुई, मैं अभी इसी के पापा को पार्किंग में ही छोड़ी, ये बोले कि मैं गाड़ी में ही रहता तुम जाओ, तो मैं अकेले निकल गई। अब चूंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी तो बहुत दुकान खुले भी नहीं थे, टाइम से पहले ही उन्होंने क्लोज़ कर दिया था, लेकिन जो 2-3 बड़े दुकान मुझे मिले और मतलब जो खुले थे, तो मैं वहाँ पहुँची, वहाँ भी मुझे कुछ पसंद नहीं आया। अब चूंकि बारिश की वजह से 2-3 गिने चुने दुकान ही खुले हुए थे, मेरे पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं था, तो मुझे वहाँ भी उतने बड़े मार्केट में कुछ जमा नहीं, और घर के लिए फ्रूट्स ख़त्म था, सोचा जाते जाते पहले फ्रूट्स ही ले लेती हूँ। इतनी बारिश में छाता लेके मैं कितना घूमी, ऑलमोस्ट सारे दुकान भी बंद हो गए थे, मैं नहीं गया।
ये नहीं गए थे, मैं इनको छोड़ के गई थी। इन्होंने बोला कि तुम जाओ, मैं पीछे से थोड़ी बारिश कम हो जाएगी तो मैं आऊँगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं धीरे धीरे जाती हूँ। उसमें भी थोड़ी बहुत बारिश हो ही रही थी, तो मैं गई। दो तीन दुकानें खुली मिली मुझे और उसमें देखा मैंने, तो कैसे आप भाई लड़कियों का लड़कियों के कपड़े हैं भाई, एक दुकान एक शॉप घूमने से पसंद तो आएगा नहीं। तो फिर मैं दो तीन गिने चुने दुकान बचे थे उसमें मैं गई और उसमें देखा वो जमा नहीं। इतने बड़े मार्केट में थोड़ा ऐसे अगर बारिश नहीं हुई होती तो सारे दुकान में घूम के देखते, यहाँ पसंद आ जाता है जनरली, लेकिन नहीं आया पसंद। फिर मैं वापस आगे आगे बढ़ भी रही थी ना, तो बहुत सारी दुकान बंद मिल रही थी मुझे, तो अब जाने का कोई मतलब नहीं था। फिर मैं ऐसे मन छोटा करके वापस आ गई। और यहाँ पे बहुत सारे गणपति रखे हुए, आप मेरे हाथ में जो देख रहे हो ना, यहाँ पे एक्चुअली गणपति का भोग लग रहा है और प्रसाद वितरण हो रहा था, तो आज यहाँ पे वो भी है, लंगर भी है, खिलाया भी जा रहा है। तो मैं जस्ट सेवैयाँ प्रसाद के लिए लेके आई हूँ, गरमा गरम सेवैयाँ उसी को पी रही हूँ। जाते जाते कोई नहीं, प्रसाद तो कम से कम मिल गया। और इनको क्या लगा जब मैंने नॉक किया कि मैं कपड़े लेके आई हूँ, मैं कुछ लेके नहीं, बस प्रसाद लेके आई और रास्ते से बस थोड़ा सा सेव ले लिया था और कुछ नहीं था। हाँ, मुझे लगता है वीकेंड पे मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इनका ऑफिस डे जो है उसमें तो कुछ होने से रहा, क्योंकि हमेशा 6 बजे के बाद ही निकलती हूँ उनके ऑफिस के बाद। और आज तो मतलब हो भी जाता, लेकिन ऐसी बारिश हो रही है ना, यहाँ सब प्लान चौपट सा हो गया है। रास्ते में जाते जाते एक दो दुकान दिखी, तो उन्होंने कहा कि वहाँ जाके ट्राई करना है, तो मैंने सोचा चलो एक बार देखते हैं। बट मैं ऐसा मूड में नहीं थी, लेकिन वहाँ वाकई जाके मैंने एक इतना अच्छा ड्रेस पसंद आया, मैंने हीट एंड ट्रायल किया और फाइनली उसको ले लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे ड्रेस भी मिल गया इतना घूमने के बाद। अब भाई जब ड्रेस ले लिया था तो मुझे ना मैचिंग ईयरिंग्स बैंगल्स ज्वेलरी ये सब पहनना बहुत पसंद है, तो मैंने उस ड्रेस के अकॉर्डिंग, थोड़ा सस्पेंस है, उस ड्रेस के अकॉर्डिंग मैंने ईयरिंग किया। ईयरिंग चूज करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि देखो मैं कितनी चूजी हूँ ईयरिंग और ड्रेस वगैरह के मामले में। तो बस फाइनली, लेकिन इस शॉप पे मुझे ईयरिंग बहुत अच्छा वाला पसंद आया, और जब मैं पहनूंगी ना आपको मस्त सा लुक जरूर शेयर करूंगी। उस मार्केट से हम फाइनली निकल गए थे, इंतजार कर करके मैं थक गई थी, बारिश ने बहुत कोशिश की कि मैं शॉपिंग ना करूं, मैं जो लेने गई हूं वो ना लूं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम लोग वो उतना बड़ा मार्केट छोड़ के चले आए, हम फाइनली घर, मतलब घर की तरफ लौट रहे थे कि अब छोड़ दो शॉपिंग का, हो गया बंटाधार, अब नहीं करने वाले कुछ। बारिश रुक ही नहीं रही थी बहुत, मैंने बताया ना बहुत अजीब सी बारिश हो रही है। फिर लगभग अपने घर के रास्ते में चले जा रहे थे, रास्ते में एक आधा दुकान दिखा कपड़े का, तो मैं बोली अरे यहाँ तो अच्छे, मतलब स्टैचू में अच्छे अच्छे कुर्ती और सूट लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि रुकना है क्या, मतलब वो कहते हैं ना वाइंड अप का समय हो चुका था, मन भी नहीं कर रहा था कि रुक के खरीदूं या करके, बट ये जबरदस्ती बोला कि एक बार रुक के देखते हैं। तो वहाँ हम जस्ट ऐसे ही गए थे कि चलो अभी उतना बड़ा मार्केट छोड़ के आएगा तो यहाँ क्या ही पसंद आएगा। वहाँ दिखाया उसने सूट वगैरह, तो मुझे उसमें से कुछ एक सूट पसंद आया फाइनली जाके। मैं तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूज हो रही थी लूँ ना लूँ, लेकिन एक ऐसा सूट दिखाया उसने कि एक बार में ही पसंद आ गया। और फिर मैंने इनको बुलाया कि भाई आप भी देख लो आपको पसंद है कि नहीं है, ये इनको ही बहुत पसंद आया, पेमेंट के लिए तो फाइनली मैंने वो सूट ले लिया, अब खुश हूँ। नहीं तो वहाँ से जब मैं बड़े वाले मार्केट से लौट रही थी, मेरा मूड बहुत ऑफ था, बहुत ज़्यादा ऑफ था। बहुत जल्द उस ड्रेस के साथ मैं वीडियो डालने वाली हूँ, कैसा ड्रेस है, क्या ओकेजन है कि पहनने वाली हूँ। सो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।